बीजेपी ने इस तरह का बयान वाहियात झूठा बयान देकर हैदराबाद के ब्रांड को खराब करने का काम किया है और मुझे पूरा यकीन है कि इस तौहीन का जवाब हैदराबाद के हैदराबादी देंगे और बीजेपी जो बोखलाहट का शिकार होकर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर इस तरह की वाहियात बातें कर रही है मुझे यकीन है कि 1 दिसंबर के दिन बीजेपी को इसका जवाब मिलेगा और हैदराबाद की आवाम पुराने शहर की आवाम पूरी ताकत के साथ इस तौहीन का जवाब देगी और बीजेपी के उम्मीदवारों को शिकस्त देकर हमें अपनी तौहीन का इसका जवाब देना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप देखिए सर्जिकल स्ट्राइक, अरे बीजेपी वालों सर्जिकल स्ट्राइक अगर कहीं करना है तो असदुद्दीन ओवैसी जिसको तुम बोलते भड़काऊ भाषण देता है, मैं तुमको फिर से बोल रहा हूं अगर तुम में हिम्मत है तो पिछले कई महीनों से लद्दाख में जब शाम प्लेन में 920 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज भारत की सरजमीन पर बैठी हुई है, नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राइक करो आप चीन के ऊपर क्यों खामोश बैठे हैं? वजीर आजम आप इस मुल्क के और चीन का नाम लेने से डरते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक करो आप, हम तारीफ करेंगे आपकी। आप सर्जिकल स्ट्राइक करो और उन 920 स्क्वायर किलोमीटर पर जो चीन की पीएलए फोर्स बैठी है उखाड़ कर फेंको उनको। जो 20 हमारे आर्मी के सिपाही मारे गए थे PT-15 के पास जिसमें तेलंगाना का एक मेजर था, जिस जगह पर हमारे बहादुर सिपाही मर गए उस जगह पर आज चीन बैठा है, वहां पर आके नहीं दिखाएंगे, वहां पर जाकर भारत की सरजमीन पर आके नहीं करेंगे। और उनका एक प्यादा कहता है कि ओल्ड सिटी पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। क्या सर्जिकल स्ट्राइक करोगे? तुमने किया क्या हैदराबाद के लिए बताओ? बारिश हुई सैलाब आया एक पैसा नहीं दिए, सबके घर परेशान थे, हिंदू के मुसलमान के दलित के बैकवर्ड क्लास के, कुछ दिखाने को नहीं है तो बस वाहियात बातें। कोई बोलता कि मजलिस हिंदुओं के खिलाफ है, अरे क्या तुम्हारे दिमाग में कोई बात नहीं पहुंचती? क्या तुमको नजर नहीं आता कि यही अकबरुद्दीन ओवैसी जिसके बारे में बोलते अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना की असेंबली में खड़े होकर कहा कि लाल दरवाजे की मस्जिद के लिए चीफ मिनिस्टर सरकार 10 करोड़ रुपए दो। किसने कहा ये? अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा। चीफ मिनिस्टर ताजुब कर रहे, तेलंगाना के लोग ताजुब कर रहे, बीजेपी का जो एक इकलौता एमएलए जो सब था वो परेशान, ये क्या हुआ? अरे हम मानते हैं कि हमारे इस इलाके में हर मजहब का आदमी रहता है और हमारी सोच ये है कि हर आदमी अपने मजहब पर चले, अपने मसलक पर चले, अपने अपने मसलकों पर चले, हमको उससे मतलब नहीं है। यही तो मजलिस की सोच है। और मैं जाती तौर पर आपसे कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि मैं जब तक जिंदा हूं, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, सियासत में रखेगा, मैं अपने इस इलाके में 80 और 1990 का माहौल नहीं पैदा होने दूंगा, इंशाअल्लाह कभी नहीं पैदा होने दूंगा। ये जो मासूम बच्चे खड़े उनका मुस्तकबिल अच्छा होना चाहिए। मैंने अपने बचपने में, मेरी उम्र 13-14 साल की थी, तो हैदरगोड़े के घर के पास आरएसएस वाले ग्रुप में आकर पुकारते थे कि ओवैसी कब्रिस्तान या पाकिस्तान। आज भी मेरे कानों में वो नारे गूंजते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मासूम बच्चों की इनके मेमोरीज को खराब किया जाए, मगर बीजेपी नफरत कराना चाहती, घरों में तोड़ना चाहती है। अरे तुम क्या बात करोगे? तुम तो मस्जिद तोड़ने वाले, हम तो मंदिर के लिए 10 करोड़ का मुतालबा करें। ये तुम में और हमें फर्क है कि तुमने मस्जिद को तोड़ा, हमने कहा कि मंदिर को 10 करोड़ रुपए दो। तुम तोड़ने का नाम से बात करते, हम दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए मजलिस से नफरत है। ये मजलिस से नफरत क्या है? तिब्बत अल्लाह का असदुद्दीन ओवैसी ने दलायल के साथ बीजेपी को बेनकाब कर दिया और बता दिया कि तुम्हारा कानून मुस्लिम खवातीन के खिलाफ बनाए जा रहे। CAA का कानून लेकर आए तो कौन था पार्लियामेंट में जिसने नरेंद्र मोदी के 306 एमपीओ के सामने उस कानून को फाड़ दिया और कहा कि भारत के आईन के खिलाफ है? इनको नफरत इस बात की है कि UAPA का कानून लाए जिसमें 120 दिन रिटेंशन होता है। मैंने खोल कर मुखालिफत की और कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा कानून नहीं है जो इस तरह का बदतरीन कानून बनाया जा रहा है। इसीलिए मजलिस से इनका इख्तलाफ है।
क्योंकि जानते हैं कांग्रेस तो टांका ही हो गई, कांग्रेस में तो हाई नहीं दम कम नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े हकीम के पास देकर कांग्रेस ही जाकर बोलेंगे हकीम साहब जरा ताकत की दवा दे दो, हकीम साहब नस पकड़ के बोलेंगे काम में नहीं आती तुम्हारे। इसलिए मजलिस से कौन सी मेरे पूरे इलेक्शन कैंपेन में कौन सी मेरी तहरीर थी बताओ, मैं मजलिस का जिम्मेदार हूं। किसके खिलाफ हमने कहा, हम कह रहे काम किया काम किया, काम की बुनियाद पर। और शेख में एक वार्ड है, शेख में एक वार्ड में टीआरएस का एक उसको टिकट नहीं मिला, उन्हें कूद के गया बीजेपी से टिकट ला लिया। तो सियासी पार्टियां फिरका परस्त है, मगर जो सियासी आइडियोलॉजी है, जो फिरका परस्ती की आइडियोलॉजी, उससे हमको मुकाबला करना। आज जब बिहार में मजलिस को कामयाबी मिली, 5 MLA वहां पर जीत कराए, कोई मामूली बात है, कोई आसान बात है। इनको यह समझ में नहीं आ रहा कि शेरवानिया सीमांचल जाकर वहां पर बिहार की जनता का दिल जीत लिए। आपको मालूम सीमांचल पूरे मुल्क का सबसे पसमांदा इलाका, अगर भारत के 10 सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट निकालेंगे तो उसमें 4 सीमांचल के आते। मैंने अपनी आंखों से देखा कि सीमांचल के गांव में 8-7 साल के बच्चों के जिस्मों पर कपड़े नहीं है पहनने को। हमारे पास बारिश आई, 8-10 दिन हम तकलीफ उठाए, सब सामान खड़ा हो गया। तुम्हारों सीमांचल में पिछले 15 साल से बारिश आती, 2-2 महीने लोग घर छोड़ के रहते, एक एक बहुत एक एक लाख एकड़ जमीन पानी से कट जाती, कोई पूछने वाला नहीं था। 5 साल हम मेहनत किए, उनकी आवाज उठाए। क्या मजलिस का क्या लड़ाई है? मजलिस की लड़ाई इंसाफ की है, मजलिस की लड़ाई तरक्की की। मैं इंसाफ चाहता हूं, मैं अपना हिस्सा चाहता हूं, मैं तंग आ चुका हूं कि तुम मेरे मुकद्दर के फैसले करोगे। मैं कह रहा हूं कि मेरे मुकद्दर के फैसले मैं करूंगा। मैं और डाल डाल कर थक चुका हूं, अब मुझे और लेना है। मैं कुर्सी के आगे हाथ बांध कर नहीं खड़ा होगा, मैं कुर्सी पर बैठकर पैर डालकर अपने हक का जरूरी तरीके से मुकाबला करूंगा। ये मजलिस की लड़ाई, इसीलिए इनको पसंद नहीं आता। मजलिस भी मुखालिफ है। अरे राजमहल पुराना पुल का बड़ा कैंडिडेट 3 मरतबा कारपेटर वाला पुराना पुल का 4th मरतबा में बनेगा, इंशाल्लाह देखना बीजेपी वालों। स्वामी यादव को कारवां से लिए, पहले राजेंद्र यादव को दिए, स्वामी यादव को दिए, स्वामी भी कामयाब होगा। जामबाग से डीमो उनको दिए कामयाब हुए, अब रवि को दिए इंशाल्लाह भी कामयाब होगा। अरे तुम्हारे पास दिखाने को क्या है बताओ? कुछ नहीं है, सिर्फ नफरत 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 और झूठ, लंबी लंबी झूठ बोलते रहो। मेरे अजीज दोस्तों, 1 दिसंबर के दिन मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपने एक एकॉर्ड का इस्तेमाल करिए। मलकपेट के 3 बल्दी वार्डों पर, 4-4 बल्दी वार्डों पर इंशाअल्लाह ताला मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। नफरत फैलाने वालों को शिकस्त दीजिए, दिलों को तोड़ने वालों को शिकस्त दीजिए, शहर के अमन को खराब करने वालों को शिकस्त दीजिए। और आपसे मेरी अपील है कि बेखौफ होकर अपने घर से निकलकर पोलिंग बूथ को जाइए, जहां पर पतंग का निशान दिखेगा बैलेट पेपर पर, वहां पर मोहर डालकर अपनी पार्टी को, अपने इतिहास को और अपनी शराब को मजबूत करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।